बीस्ट ब्रॉक लेसनर का सामना अगर वीर महान के साथ हो जाए तो क्या होगा? क्या वीर बीस्ट पर भारी पड़ सकता है या ब्रॉक लेसनर वीर महान पर? तो ये सारी बातें होंगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों WWE में अभी के वक्त सभी यही चाहते हैं कि WWE में द ग्रेट खली और जिंदर महल के बाद अब वीर को WWE चैंपियनशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वीर ने कम ही समय में WWE में अपनी एक अलग ही दहशत बना ली है। और बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो वीर की स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं है और वीर के मूव्स काफी खतरनाक भी होते हैं। इसका अंदाजा आप वीर के मैच से भी लगा सकते हो, जब उन्होंने रे मिस्टीरियो के बेटे डेमोनिक मिस्टीरियो का रिंग में क्या हाल किया था। लेकिन बात करें बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, तो बीस्ट की स्ट्रेंथ WWE में सबसे ज्यादा है और बीस्ट ने अपनी ताकत से बिग शो, ब्रॉन स्ट्रोमैन और कई दिग्गज पहलवानों को उठा उठा कर पटका है। अगर बात करें दोनों के मूव्स की, तो वीर के स्पेशल मूव्स हैं साइड स्लैम और रनिंग बॉडी प्रेस, और रनिंग बॉडी प्रेस मूव काफी खतरनाक मूव है जो कि रुसेफ के मूव की तरह ही है। और बात करें बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर के स्पेशल मूव्स हैं सुप्लेक्सिटी और F5। और अगर वीर को ब्रॉक लेसनर के ऊपर हावी होना है तो उससे ब्रॉक लेसनर के प्लस पॉइंट से बचना होगा, जिससे आज तक कोई नहीं बचा है, और ये प्लस पॉइंट है सुप्लेक्सिटी, जिससे बीस्ट ब्रॉक लेसनर अपने ओपोनेंट को 10 से कम बार नहीं मारते। और अगर वीर को ये मैच जीतना है तो सबसे पहले बीस्ट ब्रॉक लेसनर के प्लस पॉइंट से बचना होगा, उसके बाद वीर को उनके सभी मूव्स बैक टू बैक ब्रॉक लेसनर के ऊपर इस्तेमाल करने होंगे। और भाई लोग, आपको क्या लगता है कि अगर आगे फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर और वीर महान का मुकाबला हो जाए तो क्या होगा, और आप इन दोनों में से किसको जीते हुए देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।